भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। 38 साल की मिताली अब दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने पूरे फॉर्मेट में 10,000 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स ने सबसे पहले यह उपलब्धि हासिल की थी। मिताली राज ने भारत की ओर से 10 टेस्ट मैच में 51 की औसत से 663 रन बनाए हैं, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मिताली ने 89 मैचों में 2,364 रन बनाए हैं, इसमें उनका औसत 37.52 रहा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मिताली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तक मिताली ने 212 एक दिवसीय मैचों में 6,974 रन बनाए हैं। एक दिवसीय मैचों में मिताली ने 7 शतक और 54 अर्धशतक भी लगाए हैं। मिताली भारत की पहली ऐसी कप्तान है जिन्होंने 2 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। मिताली राज का जन्म राजस्थान के जोधपुर में एक तमिल परिवार में 3 दिसंबर 1982 को हुआ था, लेकिन मिताली हैदराबाद में पली बड़ी। वैसे मिताली के करियर पर नजर डालें तो वो हमेशा से ही लीग से हटकर कुछ करने में यकीन रखती हैं। 10 साल की उम्र में उनका पहला प्यार भरतनाट्यम और क्रिकेट में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने क्रिकेट ही चुना। मिताली बताती है कि शुरुआती दिनों में जब वो और उनकी साथी अपनी किट लेकर खेलने जाती थी तो लोग यही समझते कि हम हॉकी प्लेयर हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते थे कि लड़कियों की क्रिकेट टीम होगी। उनके पिता भारतीय वायुसेना के अधिकारी रहे हैं। मिताली ने 10 साल की उम्र से क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू किया और 17 साल की उम्र में वे भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो गई थी। मिताली राज ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जून 1999 में आयरलैंड के खिलाफ खेला। अपने पहले ही वनडे मैच में मिताली ने 114 रनों की शानदार पारी खेली और भारत ने ये मैच 161 रनों से जीता था। साल 2002 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी, लेकिन वो इस टेस्ट मैच में बिना खाता खोले आउट हो गई थी। उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव आए, कुछ विवाद भी हुए, इनमें T20 की कप्तानी छोड़ना भी शामिल है, लेकिन इन सबके बीच उनके बल्ले से रन निकलते रहे। अपने तीसरे टेस्ट में ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 214 रनों की शानदार पारी खेली जो अब भी उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। मिताली की इस उपलब्धि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सहित सभी क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों ने और उनके चाहने वालों ने ट्वीट करते हुए मिताली को बधाई दी। इस उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिताली, देश को आप पर गर्व है।